फ्रेंड्स, मैं सुरेश त्रिपाठी और आज आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ। और मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए बहुत ही खुशी है मुझे, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया तो मैं आज देखिए आज आपके लिए मैं क्या लाया हूँ। Redmi 5A जो परसों ही लॉन्च हुआ है, मैं आज उसका अनबॉक्सिंग करूंगा। ये मैंने परसों बुक किया था और आज ये मेरे घर पे आ गया है। तो देखते हैं इस डिब्बे में क्या क्या है। पहले तो हमें ये मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल को हम लोग ऑन कर लेते हैं। मोबाइल में देखिए एयरफोन का वो इनपुट है, और इधर पे कैमरा मिला है। कैमरा तो बाजू में मिला है Redmi 3S जैसे, और स्पीकर नीचे मिला है Redmi 3S जैसे ही है। और यहाँ पर दो स्लॉट मिल जाते हैं, एक मेमोरी कार्ड के लिए, जो छोटा वाला स्लॉट है वो मेमोरी कार्ड के लिए है, और जो बड़ा वाला स्लॉट है दो सिम कार्ड के लिए है। तो अच्छा है, पहले से बेटर इम्प्रूवमेंट हुआ है ये मोबाइल में। तो देखते हैं अंदर इसके क्या क्या था। को मिल जाता है टेम्पलेट और डेटा केबल मिल जाता है आपको, चार्जर मिल जाता है, डेटा केबल, चार्जर 0.2 एम्पियर का, और नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। मोबाइल चालू हो रहा है, तब तक मैं आप इसको इसके फीचर्स बता देता हूँ। तो इसमें आपको मिल जाता है 5 इंच की डिस्प्ले, HD डिस्प्ले मिल जाएगी, और 13 मेगापिक्सल की रियर कैमरा, यानी कि बैक कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल होगा, और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल। 425 का क्वाड कोर प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 425 का है, 128GB माइक्रो SD कार्ड इसमें सपोर्टेड है। और जहां तक देखा जाए कि ये फोन बजट का है, 5000 में आपको इससे अच्छा कोई भी फोन नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर आपको बुक करना है तो इसके MI.com में जाके बुकिंग डेट आप देख सकते हैं, उधर पे 12 बजे बुकिंग चालू होती है, आप उधर से जाके बुक कर सकते हैं। तो आते हैं मोबाइल के पास। कैमरा क्वालिटी फ्लैश के साथ देखते हैं इसमें कैसी क्वालिटी आई है। देखिए इसमें जूमिंग करने के टाइम, मतलब इसमें थोड़ा पिक्सल फट जाता है, हर मोबाइल का फटता है, पर लेकिन इतना नहीं फटता है जितना, इसलिए कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इसमें, पर नॉर्मल है। 5000 के हिसाब से परफेक्ट कैमरा है। 4G मोबाइल है और जियो तो सपोर्टेड होगा ही। तो इसमें ऑप्शन में ये तो नॉर्मल जैसे पहले वाले फोन्स में जैसे मिलते थे सेटिंग्स, सब वैसे ही मिले हैं। तो इसमें वीडियो में देखते हैं स्लो मोशन नहीं दिया है उन्होंने, जैसे कि नोट 4 में उन लोग ने दिया था। तो नोट 4 में वो सिस्टम है, पर नहीं इसमें नहीं है। तो हम एक HDR का फोटो लेंगे। HDR का फोटो देखिए लोड ले रहा है थोड़ा सा, फिर भी फोटो आ गया है। देखिए जूम करने के टाइम में थोड़ा सा फट जाता है, तो ये इसमें ड्रॉबैक मिलेगा एक। तो इस मोबाइल में MIUI 9 है, चलिए देख लेते हैं सेटिंग में जाके। ये MI का ऐप है, और ये सेटिंग में जाते हैं हम और देखते हैं ये MIUI 9 है। ये डेवलपर ऑप्शन खुलता है वो क्लिक करने से, और या एंड्रॉइड वर्जन है नॉगार्ड। तो यहाँ पर देखिए 2GB रैम है इसमें, 1.40 के GHz के क्वाड प्रोसेसर है, और Redmi 5A, और यहाँ पर 16GB इसकी इंटरनल है। इसकी दो वेरिएंट आती है, 32GB और 16GB। उसमें 32GB में 3GB रैम मिलेगी, इसमें 2GB रैम है, 16GB इंटरनल है, और 4GB रैम वाली भी है, और उसमें आपको मिल जाएगी 64GB की इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसमें इनबिल्ट एप्स हैं, जो MIUI 9 के सब मोबाइल में हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सब ऐप हैं, आप यूज कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर अपडेट भी इसका लेटेस्ट आते रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट मोबाइल है Redmi 5A। और यहाँ Xiaomi वालों ने जो 5000 का बजट स्मार्टफोन निकाला है वो मेरे हाथों में है, और आप इसे बाय कर सकते हैं MI.com या Flipkart से। और ये मैंने Flipkart से मंगाया है,
अमेजोन पे अवेलेबल नहीं था, तो एक दिन में फास्ट डिलीवरी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।